गुड इवनिंग एवरी वन, माई सेल्फ रोशनी. टुडे आई एम हेयर टू प्रेजेंट माई टॉपिक. द टॉपिक नेम इज सब्सटेंस अब्यूज. ओके, मैं आपको यहाँ पे पीपीटी के मतलब हेल्प से पढ़ाने जा रही हूँ. आप चाहे तो उसको नोट्स को लिख भी सकते हैं या फिर आप यहीं से पढ़ के की पॉइंट्स नोट कर सकते हैं. ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है जो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे. अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होता है तो उसको अवॉइड करना. मैं इससे ज़्यादा अच्छा ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम. ओके, स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से. सब्सटेंस यूज रेफर टू कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम द अब्यूज ऑफ अल्कोहल एंड साइको एक्टिव ड्रग्स एंड अदर केमिकल्स सच एज वोलेटाइल सॉल्वेंट. सब्सटेंस अब्यूज क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जो कि अराइज होती है सब पीपल्स जो होते हैं वो अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं अल्कोहल्स का, साइको एक्टिव ड्रग्स का या फिर कोई और केमिकल्स का, जैसे कि वोलेटाइल सॉल्वेंट्स का. यहाँ पे अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल का मतलब यही है कि जो मतलब अपने एक्सेसिव क्वांटिटी में अल्कोहल को इंटेक करने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़. साइको एक्टिव ड्रग्स भी हो सकते हैं जैसे कि अफीम हो गया, गांजा हो गया. ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन. सब्सटेंस अब्यूज डिफाइन एज द माल एडेप्टिव बाई रिपीटेड डिटर्मिनेंट इफेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड यूज. सब्सटेंस अब्यूज क्या है? एक माल एडेप्टिव बिहेवियर है. इसमें मतलब पर्सन होता है वो रिपीटेड टाइम अल्कोहल या फिर कोई भी साइको एक्टिव ड्रग्स को कंज्यूम करता है. ठीक है, इसमें मतलब उसको पता होता है कि ये हार्मफुल है फिर भी उसके मतलब उसके बारे में जानते हुए भी उसको बार बार कंज्यूम कर रहा है सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज. नेक्स्ट इज इंसिडेंस रेट. मतलब यही कि हाँ हमारे यहाँ पे कितना मतलब कितना पॉपुलेशन जो है वो क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है अल्कोहल या फिर कोई भी सब्सटेंस. वुमेन हु यूज एनी काइंड ऑफ टोबैको इज 6.8%. मतलब जो वुमेन्स हैं वो कोई किसी भी टाइप का टोबैको यूज़ कर रही हैं वो है 6.8%. मैन हु यूज़ एनी काइंड ऑफ टोबैको, मेंस जो है वो 44.5% क्या कर रहे हैं सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं. वुमेन हु कंज्यूम अल्कोहल, जो मतलब वुमेन्स हैं वो कितना 1.2% अल्कोहल कंज्यूम कर रही हैं. मैन हु कंज्यूम अल्कोहल 29.2%. इंसिडेंस से हमें ये पता चल रहा है कि मेंस जो है वो क्या कर रहे हैं ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़. फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर भी सब हेडिंग आती है, जेनेटिक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर में लाइक फैमिली हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, मतलब किसी को फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है ऑलरेडी वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से जेनेटिक मतलब जीन्स के वजह से भी कोई फ्यूचर में अगर कोई मतलब ऑफ स्प्रिंग हो रहा है तो वो सब्सटेंस यूज़ कर सकता है. नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर्स. सम बायोकेमिकल कैन लीड टू सब्सटेंस अब्यूज लाइक डोपामाइन नॉर एपिनेफ्रिन. बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब हमारी बॉडी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स क्या हो जाते हैं मतलब इम्बैलेंस होने लगते हैं, उसकी वजह से उन्हें क्या होती है कार्विंग होने लगती है सब्सटेंस की. जैसे कि एग्जाम्पल है डोपामाइन और नॉन एपिनेफ्रिन. जब इन दोनों का मतलब जो लेबल होता है वो क्या होता है डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो पीपल जो होता है वो सब्सटेंस अब्यूज करता है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. सेंस ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब जो पर्सन सोचते हैं कि वो इनफर्टाइल हैं या फिर अपने ऑफ स्प्रिंग को मतलब बर्थ नहीं दे सकते तो वो क्या करते हैं सब्सटेंस अब्यूज को अडॉप्ट कर लेते हैं. सेक्सुअल इमेच्योरिटी. सेक्सुअल इमेच्योरिटी मतलब लाइक टीनेजर्स जो होते हैं उनकी एज क्या होता है बहुत ज़्यादा वो मतलब एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को तो वो उस टाइम क्या करते हैं कोई फ्रेंड ने किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये करके दे कि बहुत अच्छा है तो वो उसकी बात को मान के सब्सटेंस का इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं. पुअर इम्पल्स कंट्रोल, वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, मतलब वो चाहते कि ये है क्या चीज़ एक बार मुझे पता तो होना चाहिए इसलिए वो ट्राई करते हैं और ट्रायल करते करते उन्हें क्या होता है उन्हें मतलब आदत सी हो जाती है. लो सेल्फ इस्टीम, किसी का मतलब हाँ वही है कि किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या इसका कोई पोजीशन नहीं है तो उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस चीज़ को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं सब्सटेंस अब्यूज करना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर. रिलीजियस रीजन, मतलब फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस, उसमें क्या होता है वो लोगों में अलाउ है कि वो
ड्रिंक कर सकते हैं। पुअर सोशल सपोर्ट मतलब उनका कोई सोशल पोजीशन नहीं है, सोशल पावर नहीं है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज करते हैं। ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है, उन्हें पसंद नहीं आ रही है, वो सोचते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ से मतलब क्या रहूँगा, इस बचने के लिए वो क्या करते हैं, सब्सटेंस का इनटेक करते हैं। अर्बनाइजेशन मतलब वही है कि वो मॉडर्न एरिया में जाके खुद की मॉडर्न लाइफ स्टाइल के लिए भी सब्सटेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप्स, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जो कि हम क्या करते हैं, मतलब जो सब्सटेंस अभी उसके टाइम पे लिए जाते हैं। अल्कोहल डिपेंडेंस मतलब वो अल्कोहल का कंजप्शन करने स्टार्ट करते हैं, ओपियोइड्स लेते हैं, कैनाबिस लेते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स लेते हैं, कोकेन लेते हैं, कैफीन एंड अदर स्टिमुलेट्स भी ले सकते हैं, हेल्यूसिनोजेंस लेते हैं, वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड एनेस्थेटिक्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच आर कंज्यूम्ड बाय द अब्यूजर। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। व्हाट इज द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज? डेलीरियम ट्रीमेंट्स मतलब इसमें यही है, क्या है, एक साइड इफेक्ट है। डेलीरियम ट्रीमेंट्स जो है वो साइड इफेक्ट है सब्सटेंस अब्यूज का। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब बोलेंगे कि वो विदड्रॉ कर ले अपने अल्कोहल मतलब जो कंज्यूम कर रहा है उससे, तो उसको क्या होगा, डेलीरियम ट्रीमेंट्स जैसा एक सिम्टम्स होगा थोड़े दिनों के लिए, जो कि नॉर्मल है, थोड़े दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। ट्रीटिंग सीजर्स, उसको सीजर होना स्टार्ट करता है जैसे ही वो विदड्रॉ करता है अगर, तो उसको मतलब सीजर भी होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम क्या करेंगे, सीजर्स को ट्रीट करेंगे। ट्रीटिंग ऑफ अ थेरेपी मतलब वही है कि हम उसको क्या करेंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज के उसको थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ टॉक्सिफिकेशन, जो भी उसने अल्कोहल कंज्यूम किया उसकी बॉडी में क्या हो जाता है, टॉक्सिस, तो हम उसको क्या करते हैं, टॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ओपाइड्स, ओपाइड्स को अवेलेबल नहीं रखना है। नेक्स्ट लास्ट वन इज नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सब्सटेंस अब्यूज। नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक नर्स क्या क्या करेगी अब सब्सटेंस अब्यूज को रोकने के लिए। द फोकस इज दैट द इंडिविजुअल लेवल एंड टुवर्ड द क्लाइंट, मतलब यही फोकस यही है कि इंडिविजुअल का लेवल क्या है और उसका क्लाइंट या फिर कोई क्लाइंट है तो उसका लेवल क्या है अल्कोहल या फिर सब्सटेंस को कंज्यूम करने का। प्रोवाइड स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट टू आइडेंटिफाई द पेशेंट दैट हैज़ बिकम विक्टिम टू ड्रग यूज, हमें स्क्रीनिंग प्रोवाइड करनी है, जो भी टेस्ट किए जाते हैं मतलब सब्सटेंस अब्यूज को चेक करने के लिए, उसमें अल्कोहल का लेबल हो सकता है, केमिकल्स का लेबल हो सकता है, उसको हम चेक करेंगे, असेसमेंट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट जो है वो कितना ड्रग यूज़ कर रहा है। प्रोवाइड द काउंसलिंग फॉर सब्सटेंस अब्यूज, हम पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, उसको जितना भी साइड इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट है सब्सटेंस अब्यूज़ को, उसको और उसकी फैमिली को दोनों को बताएंगे। प्रोवाइड द मेडिकेशन टू द पेशेंट, एंटी अब्यूजिव मेडिसिंस आती हैं जो हम पेशेंट को देंगे, उससे उसको थोड़ा मतलब क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज से रिलीफ मिलता है। प्रोवाइड एजुकेशन टू द पेशेंट, हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, कितना ये हार्मफुल है, कितना बैड है उसके लिए। टेल द पेशेंट फॉर फॉलोअप, उसको एक्सप्लेन करें कि वो फॉलोअप के लिए आते रहें, क्योंकि ट्रीटमेंट जो सब्सटेंस अब्यूज है वो उतना उसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग चलता है ना, इसलिए। नेक्स्ट समरी, सब्सटेंस अब्यूज एज रिकोगनाइज मेडिकल ब्रेन डिसऑर्डर रेफर टू द अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंस अब्यूज सच एज हीरोइन कोकेन एट्सेट्रा, इट मे बी द अब्यूज ऑफ लीगल सब्सटेंस सच एज अल्कोहल निकोटीन और प्रिस्क्रिप्शन, अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन लीगल ड्रग ऑफ अब्यूज। इस समरी में हमने पूरे टॉपिक में यही पढ़ा है कि सब्सटेंस अब्यूज जो है वो क्या है, मतलब एक मेडिकल ब्रेन डिसऑर्डर रिकोगनाइज किया है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इलीगल सब्सटेंस को अब्यूज़ करते हैं, जैसे कि हीरोइन कोकेन हो गया, कुछ लीगल सब्सटेंस भी अब्यूज़ किए जाते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, कुछ मेडिकेशंस हो गई जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है वो। ओके थैंक यू, ये हमारा टॉपिक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है तो आई होप कि मैंने अच्छा से पढ़ाया होगा, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं चेक करूँगी और नेक्स्ट टॉपिक इससे भी अच्छा आपको नोट्स और PPT बना के दूँगी। थैंक यू।